बट सावित्री की अमावस्या के दिन किसी एक माता ने सीहोर आश्रम पर एक मैसेज भेजा और उस मैसेज में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, हम भी तो पति किता मानते हैं, पति का सम्मान करते हैं, पति को आदर देते हैं, तो हम भी सावित्री की गिनती में। सीहोर से मैसेज आया कि गुरुजी वो ऐसा ऐसा पूछा गया है, आप बताओ क्या कहना है। हमने कहा कह दो, जब बट सावित्री आती है तभी तुम पति को प्रणाम करती हो, जब दिवाली आती है तब पति को प्रणाम करती हो, जब करवा चौथ आती है तभी चलनी में मुंह देखती हो, बाकी के समय तो तुम जूड़ा बांध के ऐसी बोलती हो कि पति थर थर कांपता है। 16 श्रृंगार में नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछूड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है, केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग, पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है, और वो सबसे भारी होता है। सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूँ यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूँ जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता, यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था, सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे, अड़के पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए तुझको, क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है क्या दोगे आप, मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। यमराज यम लोक में प्रवेश करने लगा, मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवानंद को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूँ, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूँ, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो, हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री, तब कहा पहला वचन दीजिए मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगी, कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़कर जाओ। सावित्री है पति को वापिस लेकर आ गए। कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया है।
महाराज, इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए मानसिक टेंशन में परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज़्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चुक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल, चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दे। महाराज दो या तीन सोमवार एक ही जगह पर करना, तीन सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक एक कोई धागे में बांधकर या तो अपने गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखो, लगभग लगभग दो से तीन महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बढ़ता पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ता वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है एक महीना दो महीना तीन महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़ कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर दे। बटकेश्वर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।